हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के अंदर सॉइल्स ऑफ इंडिया के अंदर कुछ और सॉइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सॉइल्स ऑफ इंडिया के अंदर कुछ और सॉइल से मेरा मतलब ये है कि पिछले वीडियो में हमने एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल और साथ में ब्लैक सॉइल के बारे में अच्छे से बात करी थी। आपने जाना था कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितना इनका एरिया है इंडिया के अंदर और इनके अलग अलग कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनसे सीधा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। उन सारे इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू आई सी ए आर हम देखते हैं देर आर 8 टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। 8 तरह के सॉइल्स हैं हमारे इंडिया में, जिनमें से हमने 3 तरह के सॉइल्स कवर कर ली हैं। तो बची हुई 5 और सॉइल्स जो हैं वो कौन सी हैं, तो हम देखते हैं 4th नंबर पे है लेटराइट सॉइल, है ना। लेटराइट सॉइल के बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल को डेजर्ट सॉइल भी कहा जाता है, तो एरिड या डेजर्ट सॉइल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फॉरेस्ट एंड हिली सॉइल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे पीट एंड मार्शी सॉइल के बारे में। और एट द एंड हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स के बारे में। सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स आप जानते होंगे, सैलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, तो इनके बारे में भी आज इस वीडियो के दौरान हम थोड़ी बात करने वाले हैं। ओके, साथ ही अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं आपसे कहूंगा आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, तब आपके लिए ये वीडियो समझना और इजी हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं लैटराइट सॉइल के बारे में। ये लैटराइट वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है, आप जानते ही होंगे, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक यानी ईंट, है ना। तो ये लैटराइट सॉइल ईंट कैसी होती है, रेड कलर की। तो मतलब रेड, यहाँ लैटराइट सॉइल जो देख रहे हैं इनका कलर भी हम देख रहे हैं रेड कलर सा ही होता है। क्यों होता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हाई रेनफॉल वाली कंडीशंस जब होती हैं ह्यूमिड एरियाज़ के अंदर, है ना, जैसे कि यहाँ लिखा है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स के अंदर, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स और साथ में हम वहाँ देख रहे हैं हैवी रेनफॉल वाली सिचुएशंस अगर हों, तो उस कंडीशन के अंदर हम देखते हैं कि बाकी जो मिनरल्स हैं, सिलिका हो गया, कैल्शियम वगैरह हो गया, तो उनकी अगर लीचिंग हो जाए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सॉइल के अंदर कुछ बचे और वो क्या बचे, फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स बचे, तब उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, एक तरह से लैटराइट सॉइल्स के रूप में समझते हैं। लैटराइट सॉइल लैटराइजेशन प्रोसेस से बनती है। लैटराइजेशन प्रोसेस के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर अच्छे से बात करी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो लैटराइट सॉइल्स जो हैं ये भी रेड हैं, और पीछे हमने जो पढ़ा रेड सॉइल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रेड है, तो इनके बीच में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इनके बीच में डिफरेंस हम जब टेबल वगैरह इसको पढ़ते हैं तो इसके अंदर मेन डिफरेंस हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि लैटराइट सॉइल जो है वो कहीं ना कहीं वीदरिंग से बन रही थी। हमने देखा था एशियंट या हमने आर्कियन रॉक्स के बारे में बताया था आपको कि जो रॉक्स होती हैं, जैसे कि हमने कहा था ग्रेनाइट रॉक होती है, तो ग्रेनाइट रॉक से हम देखते हैं उसकी वीदरिंग से बन रही थी रेड सॉइल्स। तो यहाँ आप इससे याद रख सकते हैं कि ये वीदरिंग के रूप में ना मानकर इसे हम देखते हैं अल्टरनेट ड्राई एंड वेट एनवायरनमेंट जब होता है, सूखा मतलब एकदम भीग जाना और सूख जाना, भीग जाना सूख जाना, इस टाइप्स कंडीशंस अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग से बनती हैं ये सॉइल्स। और मेन इसमें फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है वो रेनफॉल इन्वॉल्व होता है। ओके, तो वहाँ वीदरिंग फैक्टर इन्वॉल्व वीदरिंग के रूप में समझा जाता है या रॉक्स के रूप में समझा जाता है कि उन रॉक्स से डेवलप हुई हैं। इन्हें हम देख सकते हैं कि हमें याद रखना है कि ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर रेनफॉल्स वगैरह की लीचिंग वाले प्रोसेस जो है, मेन लीचिंग प्रोसेस की वजह से इस तरह के फॉर्मेशन होता है। ओके, साथ में अगर हम बात कर सकते हैं कि द टर्म लैटराइट वाज गिवन बाय बुचानन, जैसे भी याद रखें लैटराइट टर्म किसने दी थी, बुचानन ने दी थी। कब दी थी, तो 1807 के अंदर, फॉर हाईली फेरोजीनियस मटेरियल। किस मटेरियल के लिए, जिसके अंदर फेरस बहुत ज़्यादा हो, है ना, फेरस और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ज़्यादा होना, आप भी जानते हैं इसे हम कहते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड्स का ज़्यादा होना। तो सेस्क्यू ऑक्साइड ज़्यादा होते हैं एब्जॉर्ब्ड इन दी मालाबार हिल्स ऑफ साउथ इंडिया। कहाँ ऑब्जर्व की गई, तो ये मालाबार हिल्स ऑफ साउथ इंडिया के अंदर ऑब्जर्व की गई। ठीक है, किसने, किसके द्वारा, तो हम याद रखेंगे बुचानन ने। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं दीज सॉइल्स आर फाउंड बाय द लैटराइजेशन प्रोसेस। लैटराइजेशन प्रोसेस आपने समझ ही लिया था कि जब हम देखते हैं लीचिंग प्रोसेस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा और ऊपर सॉइल के अंदर, अपर लेयर के अंदर सिर्फ फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड रह जाते हैं, तो जिनकी अपीयरेंस की वजह से ही सॉइल जो है वो रेडिश कलर सी हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम इसे लैटराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्लाइमेट आपको मैंने बता ही दिया, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, और फॉर्म ड्यू टू द अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। इस टर्म को आप याद रखिए, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे लैटराइट सॉइल के लिए। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं लैटराइट सॉइल हैव वेरी लो अमाउंट ऑफ क्ले, क्ले कंटेंट यहाँ कम होता है, ह्यूमस कंटेंट भी यहाँ बहुत कम होता है, इसे भी आप याद रखें, ह्यूमस और क्ले कंटेंट कम होना।
इसका मतलब यहाँ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, ये सब क्या होंगी, कम होंगी। तो हम कह सकते हैं कि और साथ में जितना सब कुछ कम होने से साथ में ये लूज़ भी रहेंगी सॉइल्स, क्योंकि इनके अंदर बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये हम देखते हैं फ्रीएबल सॉइल्स के रूप में भी समझते हैं इन्हें हम। और साथ में हमने लिखा है नेचर जो है यहाँ पे इनका एसिडिक होता है, क्योंकि फेरस और एल्यूमिनियम का जब अमाउंट ज़्यादा होता है तब ऐसी कंडीशन में हम इन्हें एसिडिक कंडीशन के रूप में समझते हैं। तो ये सॉइल्स भी क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं। साथ में यहाँ लॉ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, कितनी कम होती है, तो हम देखते हैं 16 सेंटीमोल पर kg, है ना, 16 सेंटीमोल, सेंटीमोल पर केजी। ये सेंटीमोल P+kg जो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसकी यूनिट को, इस यूनिट को भी आप याद रखें, CFC की यूनिट या CEC की यूनिट ये होती है। तो ये 16 से कम होती है किन सॉइल्स के लिए, हम देखते हैं लेटराइट सॉइल के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स क्ले कंटेंट कम है, ह्यूमस कंटेंट कम है, तो इनकी CEC कम होती है। बेस सेचुरेशन जो है वो 40% से कम होता है इनका, बेस सेचुरेशन लेटराइट सॉइल का कितना, 40% से कम होता है। एक टर्म और भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिल सकती है, लेटराइटिक सॉइल। अब लेटराइटिक सॉइल और लेटराइट सॉइल वैसे तो जनरली लोग सब एक रूप में ही समझते हैं इन्हें, लेकिन अगर इनके हिसाब से पूछ ले कि बताओ लेटराइट्स और लेटराइटिक सॉइल्स में क्या डिफरेंस है, अलग से आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लिया कि बताइए लेटराइट सॉइल और लेटराइटिक सॉइल में क्या डिफरेंस है, तो आप ये डिफरेंस कह सकते हैं कि लेटराइटिक सॉइल के अंदर बेस सेचुरेशन 40% से ज़्यादा होता है, लेटराइट सॉइल में 40% से कम होता है, यहाँ 40 से ज़्यादा होता है। तो एक हल्का सा डिफरेंस आप नोट करके दिमाग में रख लें कि अगर इनके हिसाब से पूछें तो आपको बताना है, नहीं तो आप भी समझ सकते हैं लेटराइटिक सॉइल लेटराइट सॉइल एक जैसी सी है, बट अगर इनके हिसाब से डिफरेंस पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 40% से ज़्यादा यहाँ बेस सेचुरेशन होता है लेटराइटिक सॉइल के अंदर। और हम देखते हैं डोमिनेंट मिनरल यहाँ पे केओलिनाइट ही होता है, जैसा रेड सॉइल में था। डिस्ट्रीब्यूशन इनका कहाँ है, रेड सॉइल से अलग है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कहाँ, तो हम देख रहे हैं वेस्टर्न घाट के अंदर, मालवा प्लेट्यू के अंदर, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे मतलब साउदर्न इंडिया जैसे इलाकों के अंदर हम देख सकते हैं लेटराइट सॉइल्स देखी जा सकती है। लेटराइट वर्ड का मतलब याद रखें ब्रिक होता है ना। तो इस तरह से हमने बातें कुछ जानी लेटराइट सॉइल के बारे में। एरिया भी मैंने यहाँ लिखा है लगभग 25 मिलियन हेक्टेयर होता है इनका, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डाटा, इस तरह से कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, किससे रिलेटेड, लेटराइट सॉइल से रिलेटेड। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं डेजर्ट सॉइल के बारे में। डेजर्ट सॉइल को आपने भी जाना, इन्हें एरिड सॉइल्स भी कहा जा सकता है। तो ये जो डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल है, इनके अंदर हम देखते हैं कि द नेम डेजर्ट सॉइल और एरिड सॉइल इज गिवन टू द सॉइल्स सपोर्टिंग नेग्लिजिबल वेजिटेशन। ये बात आप भी जानते हैं, डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल तब कहेंगे जब क्या हो, वेजिटेशन बहुत कम हो या नेग्लिजिबल सा हो, है ना, किसी सॉइल्स के अंदर वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन हम कह सकते हैं, है ना, हम इरिगेशन कंडीशंस हम खुद अवेलेबल करवा दें और काफ़ी सारी क्रॉप्स वगैरह उगा रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि नेचुरली अगर किसी सॉइल्स में जितना वेजिटेशन होता है उसके अकॉर्डिंग बहुत नेग्लिजिबल हो, तो उस कंडीशन में हम उन्हें डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल ग्रुप में समझते हैं, है ना। यहाँ लिखा है एक्सेप्ट ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, लेकिन अगर नेचुरली कुछ होता है तो वो क्या होते हैं, ये ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। ज़ेरोफाइटिक आप जानते ही हैं कि मरुस्थलीय पौधे जिनको पानी बहुत कम चाहिए वो फिर भी ये उग जाते हैं, है ना। इनके अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं, इनके अंदर ये कैक्टस टाइप्स होते हैं, क्योंकि अपनी ये बॉडी वैक्सी क्यूटिकल इनके ऊपर पाई जाती है, इनके ऊपर कांटे होते हैं, थ्रॉन्स वगैरह जो हैं वो इवेपोरेशन नहीं होने देते पानी का, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पानी की बहुत ज़्यादा यहाँ कमी होती है डेजर्ट सॉइल्स के अंदर, ये आप अच्छे से जानते हैं, है ना। तो इन सॉइल्स के अंदर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मेन दिक्कत जो है वेजिटेशन ना अवेलेबल होने की, वो यही है वाटर की अनअवेलेबिलिटी होना। लेकिन अगर दूसरे मिनरल्स वगैरह हम जो देखते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह, वो इनके अंदर सफिशियंट होते हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन अगर इनको पानी वगैरह अच्छा मिल जाए तो इस सॉइल के अंदर ग्रोथ अच्छी की जा सकती है, ऑर्गेनिक मैटर अगर अच्छा मिल जाए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर बढ़ जाए इसकी, तो इसके अंदर एग्रीकल्चर किया जा ही सकता है। तो हम देखते हैं, और टेक्सचर की अगर हम बात करें तो टेक्सचर सैंडी होता है। सैंडी स्ट्रक्चर, सैंडी टेक्सचर का मतलब आप भी जानते होंगे कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं 0.02 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर की रेंज वाले जो हम देखते हैं सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हें हम सैंडी पार्टिकल्स के रूप में समझते हैं, है ना। ये क्राइटेरिया जो होता है बहुत फेमस होता है, आपको याद होना चाहिए कि 0.002 से कम परसेंट मतलब अगर पार्टिकल कम है तो उसे हम क्ले पार्टिकल्स के रूप में समझते हैं, है ना। तो वैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ टेक्सचर जो है वो सैंडी होता है, और साथ में लॉ क्ले कंटेंट है, कंटेंट कम है क्ले का, कितना कम, तो 3.5 से 10% होता है। ओके, क्ले कंटेंट तो कम होता है, ह्यूमस भी कम होता ही है, लेकिन कुछ है जो ज़्यादा होता है, कुछ क्या है वो ज़्यादा होता है, तो हम देख रहे हैं हाई सॉल्युबल सॉल्ट्स। सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है,
मतलब पानी जो है ग्राउंड वाटर से भी अगर हम देखते हैं ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा तो वो जो सॉल्ट्स वगैरह होंगे वो सरफेस तक आ जाएंगे और सरफेस पे आके रुक जाएंगे और पानी तो एवेपोरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्यों हुआ कि सरफेस पे हम देखते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स वगैरह देखे जा सकते हैं, और साथ में सरफेस तो है ही, साथ में सॉइल के अंदर भी हम देखते हैं सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा, और हम देख रहे हैं सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा और यहाँ एल्कलाइन कंडीशंस होती हैं। एल्कलाइन कंडीशन यानी पीएच जो है वो 7.8 से 9.2 तक देखी जाती है। हैविंग कैल्साइटिक नोड्यूल्स, कैल्साइटिक नोड्यूल्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट के भी हम देखते हैं ओरिजिन्स वगैरह या उनके पत्थर वगैरह नोड्यूल्स वगैरह देखे जा सकते हैं। अब इन कैल्साइटिक नोड्यूल्स की वजह से इन्हें हम कंकड़ लेयर भी कहते हैं, कंकड़ की लेयर्स देखी जा सकती हैं इस तरह की सॉइल्स के अंदर। ओके, और हम देखते हैं जिप्सीफेरस इन एक्सट्रीम एरिड कंडीशन। एक्सट्रीम एरिड कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा ही सूखी कंडीशन, जैसे कि बीकानेर या जैसलमेर जैसी कंडीशन जो हैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एरिड कंडीशन हैं, तो वहाँ जिप्सम वाला होरिजन, जिप्सिक होरिजन भी देखा जा सकता है, जैसे भी याद रख सकते हैं। और जेनेटिक सिस्टम या हम देख सकते हैं अर्ली सिस्टम्स जो हैं इनके, उन्हें उनमें इन डेजर्ट सॉयल को पेडोकल्स कहा गया है, पेडोकल्स सीरोजेम्स। पेडोकल्स आपको याद होंगे मार्बल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको कहा था, पेडोकल्स कल्स मतलब कैल्शियम से रिलेट करना है, तो हमने आपको जैसा बताया यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है तो इसलिए इन्हें पेडोकल्स सीरोजेम्स भी कहते हैं। साथ में एक नाम और देते हैं कैलकेरियस सीरोजेम। कैलकेरियस और पेडोकल सेम ही टर्म है, याद होने चाहिए ना आपको, तो ये पेडोकल्स आपको पता होना चाहिए। और हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ, मेन तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ तो देखी जाती ही है, गुजरात पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में भी डेजर्ट सॉइल देखी जा सकती हैं। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ बातें जानी किससे रिलेटेड, डेजर्ट सॉइल से रिलेटेड। अब हम कुछ बातें जानेंगे किससे रिलेटेड, फॉरेस्ट एंड हिली सॉइल से रिलेटेड। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड हिली सॉइल्स के बारे में। तो आप इन्हें याद रखें कि ये 8% ऑफ टोटल टोटल लैंड, मतलब इंडिया का जो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हम देख रहे हैं लगभग 8% कौन सी है, फॉरेस्ट एंड हिली सॉइल से याद रखनी है। द नेम इम्प्लाइड फॉर एनी सॉइल अंडर द फॉरेस्ट रीजन, ऑफकोर्स फॉरेस्ट सॉइल के नहीं कहेंगे जो फॉरेस्ट के नीचे हो, अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हम देखते हैं इंडिया में देखे जा सकते हैं ना, तो उन किसी भी तरह का फॉरेस्ट उसके नीचे जो हम देख रहे हैं सॉइल है उसको हम फॉरेस्ट सॉइल के रूप में समझते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि भाई इनके अंदर ह्यूमस का कंटेंट ऑफकोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर फॉरेस्ट है इनके ऊपर तो इसका मतलब ये होगा ना कि वहाँ से हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलेगा इन सॉइल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स फॉरेस्ट है तो वहाँ प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू ज़्यादा मिलेंगे, तो उस वजह से इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ज़्यादा होता है। साथ में ये हेटरोजीनस नेचर की हैं, हेटरोजीनस नेचर मतलब अलग अलग फॉरेस्ट के अंदर भी अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट सॉइल देखी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स इनके अंदर हम देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट एंड टोपोग्राफी, अलग अलग जगह पर टोपोग्राफी है, अलग अलग जगह के फॉरेस्ट हैं, तो उसकी वजह से इनका वेरिएशन देखे जा सकते हैं इन फॉरेस्ट सॉइल्स के अंदर। हाई इन ऑर्गेनिक मैटर समझ आता ही है ये बात आपको। डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, ये याद रखें, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश है ना, तो ऐसी जगहों पे ये इस तरह की सॉइल्स देखी जाती हैं। शैलो इन डेप्थ, डेप्थ इनकी ज़्यादा नहीं होती इस तरह की सॉइल्स के अंदर। यहाँ आप याद रख सकते हैं कि स्पेशली ये बात जो है शैलो इन डेप्थ जो है वो हिली रीजन्स के लिए कही गई है। हिली रीजन्स के लिए क्यों? क्योंकि हिली रीजन्स के ऊपर आप जानते हैं कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ज़्यादा टेम्परेचर ना होने से सॉइल डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा सॉइल डेवलपमेंट ना होने से हम देखते हैं ये जो सॉइल्स है वो ज़्यादा गहरी नहीं है या शैलो डेप्थ मानी जल्दी मानी जाती हैं, हेंस आर कंसिडर्ड एज दी इमेच्योर सॉइल। और इसी हिली रीजन्स वाली सॉइल को ही इमेच्योर सॉइल्स के रूप में भी समझा जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो पीट एंड मार्शी सॉइल। पीट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि पार्शली डिकम्पोज मटेरियल जब ज़्यादा हो है ना, तो पीट वाली कंडीशंस एंड मार्शी कंडीशन, मार्शी मतलब कीचड़ वाला स्टेट है ना, कीचड़ मतलब आप जानते हैं ना पानी इकट्ठा जब हो जाए, तो ये कब कही गई है, मतलब सैचुरेटेड विद वाटर, जब पानी से भरा हुआ सिचुएशन रहती है जिन सॉइल्स में, एनारोबिक कंडीशंस रहती हैं। अब एनारोबिक कंडीशंस वगैरह जो हैं तो ऐसी सॉइल्स किन क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, पैडी क्रॉप के लिए आपको समझ आता है ये, तो पीट सॉइल्स जो हैं इस तरह से हम पैडी कल्टिवेशन वगैरह में काम में ली जाती हैं। ऑर्डर इसके अंदर हम देखते हैं वो हिस्टोसोल याद रखा जाता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है तो उसे हम हिस्टोसोल, मॉलीसोल इनके रूप में याद रखते हैं, तो आप वहाँ मॉलीसोल याद रख सकते हैं फॉरेस्ट वाले रीजन्स के अंदर है ना, यहाँ हिस्टोसोल याद रख सकते हैं। और हम देखते हैं क्लाइमेट जो है ह्यूमिड, ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ बारिश वगैरह ज़्यादा हो उस कंडीशन में पीट एंड मार्शी सॉइल डेवलप होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मेनली हम देखते हैं ये वेस्ट बंगाल के अंदर देखा जाता है। ओके, तो ये सारी बातें तो थी किससे रिलेटेड, हमने देखा 7 तरह की हमने सॉइल्स ऑफ इंडिया देख ली। लास्ट जो बस्ती है वो है साल्ट अफेक्टेड सॉइल। साल्ट अफेक्टेड सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि
अब देखिए, अब इंडिया के अंदर हमें अलग अलग जगह पे जितना ज़्यादा हो सके एग्रीकल्चरल लैंड्स अवेलेबल होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतने ही ज़्यादा हम देख सकते हैं पॉपुलेशन के लिए फूड अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो नहीं रुक रही भाई, क्योंकि पॉपुलेशन तो धड़ाधड़ बढ़ती ही जा रही है, आप भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, फूड अवेलेबिलिटी के लिए अगर हम किन्हीं सॉइल्स पर वर्क कर सकते हैं तो वो हमारे लिए हो सकती हैं सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। इनको इम्प्रूव कर लिया जाए तो इनके ऊपर कल्टिवेशन करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है ना। तो कहने का मतलब सॉइल, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कितना देखते हैं हम एरिया इसका, तो देखिए अकॉर्डिंग टू CSSRI, CSSRI का फुल फॉर्म समझते हैं आप, सेंट्रल सेलिनिटी सॉयल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। सेंट्रल सेलिनिटी सॉयल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल में, करनाल में ही, इसे भी याद रखिएगा। ये इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं सॉल्ट अफेक्टेड सॉयल लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर तक है इंडिया में। 10 मिलियन हेक्टेयर जितना जो एरिया है वहाँ सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स देखे जाती हैं। तो ऐसे सॉइल्स के ऊपर अगर वर्क किया जाए, इनको रिक्लेमेशन करते जाएं अगर हम, तो इनके ऊपर कल्टीवेशन करें तो हमारे लिए फ़ायदे वाली बात है। पर वो ऑफ कोर्स बात है कि रिक्लेमेशन करेंगे तो खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में बनती हैं ऐसी सॉइल्स, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल, सेलाइन सॉइल, एल्केलाइन सॉइल, है ना। सेलाइन सॉइल आपके, आपको मैंने पहले भी बताया था, जब हम देख रहे हैं कि सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्युबल सॉल्ट्स पानी में घुलकर ज़मीन पर ऊपर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें हम सेलाइन सॉइल्स के रूप में समझते हैं, है ना। तो सेलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, सेलाइन एल्कलाइन सॉइल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में पहले भी वीडियोज़ के अंदर कई बार बात कर चुके हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहें, इनका रिक्लेमेशन कैसे किया जाता है ये जानना चाहें, है ना, ऐसी बातें जानने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो उस उन दोनों वीडियोज़ के लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। साथ में इस तरह से आज हमने बात कर ली सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में। आने वाले वीडियोस के अंदर हम सॉइल सर्वे के बारे में बात करने वाले हैं, सॉइल सर्वे क्या होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ICAR एग्जामिनेशन में उसके ऊपर कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ में इस चैनल के और भी जो वीडियोस हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।